को लिख के दे दिया है और मेरी ACS होम से बात हो गई है और वो जल्दी ही वो समिति को जारी कर देंगे। सर एक सवाल था खासकर, ये जो कुछ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, आज कई सचिवालय में बैठे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, बोला सरकार कुछ नहीं कर रही है, अगर यही योगी मॉडल होते तो आज उनके घर गिरा दिए होते, आखिर सरकार का एक्शन कब नजर आएगा, कितने दिन? देखिए देखिए, जो जिनको भी है सबको प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने का भी अधिकार है, वो करें, उसका मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं कि कानून अपने हाथ में मत आप करिए, किसी प्रकार से लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। एक विधायक का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पर, तो क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? अगर ये कोई भी हो, छोटे से बड़ा तक, जिसने इसकी साजिश की है, जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने ये जहर घोला है, उसको हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले उसको बेनकाब करेंगे, हम तथ्यात्मक तरीकों से उस जो सामने आएगा, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है उसको हम बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस कह रही है आपकी चुनावी रणनीति आप लोग ने ही सारा प्लान किया और ये कहते बीजेपी का फेल गया। ये राजनीति करने का समय नहीं है, अब ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भी प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न करने का ये समय नहीं है, अभी शांति बहाल करनी चाहिए, हमें प्रदेश में देश और प्रदेश तभी तरक्की करते हैं अगर वहां पर शांति हो, तो सबसे पहला फॉरमोस्ट काम हमारा है प्रदेश में शांति बहाल करना, उसके बाद मैं विपक्ष के जवाब दूंगा जो भी। हर थाने पर एक IPS की ड्यूटी लगाई है और जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य तरीकों से जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं हम उसके FIR दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 FIR दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं, 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नू वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने 3 सदस्य समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी, अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए, आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं, हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। समय आएगा लेकिन अभी नहीं है, अभी तो शांति बहाल करनी है। आप लोग भी अपने तरीकों से, आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से शांति बहाल करने में योगदान दें, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। राजनीति करने का जब समय आएगा तो हम और आप करेंगे ना जी, राजनीति करेंगे। ये अब ये दलील देना कि किसी क्रिमिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा दो, इसका मतलब ये गाड़ियां फूंक दो, इसका मतलब ये गोलियां चलाओ, कौन सी किताब में लिखा ये? अगर कोई क्रिमिनल ऐसा कर भी देता तो, मान लो कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है? तो फिर तो कल को सारी सब कुछ क्रिमिनल के हाथ में चला जाएगा, ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से। जो भी लोग ये दलील दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, लेकिन हम तथ्यात्मक चीजें एकत्रित कर रहे हैं, जगह जगह पर हम सारे तथ्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पुलिस उसमें लगातार लगी हुई है कि जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें।